1996 में 25 मार्च जो घटना होती है, तो मोटरसाइकिल है उस पर बैठे हुए करीबन 4 लोग आए और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज बात गोरखपुर के उस क्षेत्र की जिससे आते हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री। गोरखपुर के उस क्षेत्र की मैं बात बहुत पीछे लेकर जा रहा हूं, तकरीबन 30 साल पहले, 1990 या 90 का दशक। ये कह लीजिए कि गोरखपीठ का वो प्रभाव जो अवैधनाथ जी के समय में था, जबरदस्त था। पूरे गोरखपुर क्षेत्र में, चाहे वो मानीराम हो, चाहे वो बांसगांव हो या फिर देवरिया का इलाका हो, आजमगढ़ से सटा हुआ सारा इलाका, वो सब कुछ अवैधनाथ से बेहद प्रभावित क्षेत्र था। उस क्षेत्र की बात मैं इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि 25 मार्च 1996 को एक घटना घटी थी। उसके पीछे कई कारण थे, कई वजहें थीं, लेकिन उन वजहों से भी अलग इतर जो पूरे गोरखपुर क्षेत्र में चल रहा था, वो था दो महत्वपूर्ण जातिगत लड़ाइयां जिसमें हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, इनके नाम बहुत ज्यादा उस समय चर्चित थे, और इनके बीच चलने वाला गैंगवार किस लिए? गैंगवार इसलिए क्योंकि वहां पर रेलवे के ठेकों को लेकर के पट्टेदारी की बहुत ज्यादा तकझक होती थी, बहुत ज्यादा बवाल होते थे, और आपस में उन ठेकेदारियों को लेकर के जो लड़ाइयां होती थी वही स्वरूप पकड़ लेता था गैंगवार का। तो पूरे आजमगढ़ क्षेत्र कह लीजिए या फिर गोरखपुर क्षेत्र कह लीजिए या फिर नेपाल से जुड़े हुए बॉर्डर्स कह लीजिए, इन सब क्षेत्रों पर प्रभाव जमाने की जो लड़ाई चल रही थी वो थी वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के गुट की। लेकिन इन्हीं के बीच में एक और नेता उभरता है मानीराम से, बांसगांव संसदीय क्षेत्र से, ओम प्रकाश पासवान। ओम प्रकाश पासवान का नजरिया ये रहता है कि कम से कम वो रामविलास पासवान की वो छवि ले सकें, वो छवि अख्तियार कर सकें जिससे पूर्वांचल के वो रामविलास पासवान के स्टेचर को काबू कर सकें या पकड़ सकें। ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश पासवान बहुत तेजी से उभरते हैं, लोगों में चर्चित होते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो रॉबिन हुड की छवि बनती है, दबंग और ताकतवर नेता। लेकिन कानून से इतर हट करके, कानून को तोड़ने से इतर हट करके कुछ दूसरे काम, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ये सब चलता था। लेकिन बावजूद इसके ओम प्रकाश पासवान के ऊपर ये आरोप कम है कि वो किसी भी तरीके से आपराधिक छवि के नेता थे। बाहुबली थे लेकिन आपराधिक छवि के नहीं थे। ये थोड़ा सा अंतर करने की कोशिश मैं अभी कर रहा हूं इसलिए क्योंकि यही उनके लिए खबरें थी उस समय। 1996 में 25 मार्च जो घटना होती है, एक ट्रॉली के ऊपर ओम प्रकाश पासवान खड़े होकर के अपना भाषण समाप्त कर रहे होते हैं लगभग 6:30 बजे, और तभी वहां पर बमबारी हो जाती है। ये वो समय था कि जब बमबाजी बहुत ज्यादा होती थी, गन फायरिंग बहुत होती थी। आपने सुना होगा कि किस तरीके से वीरेंद्र शाही के बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था और बहुत ज्यादा गोलियां चली थी, बावजूद इसके वीरेंद्र शाही बच गए थे। उसका कारण यह था कि पहले से उनको खबर लग गई थी और वीरेंद्र शाही जिस कार से जाने वाले थे उस कार से न जाकर के किसी और कार से चले गए थे, इसलिए वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। लेकिन ये वहां की परिस्थितियां थी, और सिर्फ ये गोरखपुर में नहीं होता था, गोरखपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, देवरिया, इन सारे इलाकों में बमबाजी की बहुत ज्यादा घटनाएं होती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ जी वर्चस्व में आए उसके बाद से ये जो गैंगवार था और ये रोजाना की जो लड़ाइयां थी ये कम होती चली गई और धीरे धीरे आज की डेट में खत्म हो गई। लेकिन ओम प्रकाश पासवान वाली समस्या तो थी। ओम प्रकाश पासवान पहले उसी गोरखपीठ से संबंधित थे, वहां से लड़ते वो निर्दलीय थे, लेकिन उनका संपर्क या उनका वरदहस्त कह लीजिए तो गोरखपीठ का था, तो उनके मरने के कुछ छींटे गोरखपीठ पर भी पहुंचने ही थे। जाहिर बात है कि जिस समय उनकी हत्या हुई वो एकदम अचानक हुई, उसकी कई कहानियां हैं। पहली कहानी तो यही है कि जो आरोपी थे वो साड़ी पहन करके महिलाओं के रूप में एक छत के ऊपर खड़े थे, जहां महिलाएं बहुत सारी ओम प्रकाश पासवान की भाषण को देख रही थी, और उसी स्थिति में आकर के उन दोनों जिन्होंने आरोपी हैं, जो राकेश यादव और ब्रह्मा, इन दोनों ने वहां से बम फेंके, और इतने बम फेंके कि वहां करीबन एक दर्जन लोग घायल हुए
और दो लोग तो वहीं खत्म भी हो गए, जिसमें ओम प्रकाश पासवान खुद भी थे। और ऐसी ही स्थिति के साथ वहां से भागम भाग मची, भगदड़ मची और राकेश यादव और ब्रह्मा को गिरफ्तार भी किया गया, बाद में चलते। लेकिन एक और घटना है, कहा यह जाता है कि ट्रॉली पर वो भाषण खत्म करके उतर रहे थे, तभी बाइक से जो मोटरसाइकिल है उस पर बैठे हुए करीबन चार लोग आए और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया बम से। और ऐसी स्थिति में जो घातक हमला हुआ उसमें ओम प्रकाश पासवान की मौत हो जाती है। ये दोनों घटनाएं एक ही समय में चली, पता ये चला कि कौन सी घटना सही है कौन सी गलत है। और इस गफलत में राकेश यादव 2018 में बरी हो जाते हैं इस किसी भी आरोप से। अब आप सोचिए कि 1996 में जब गोरक्षपीठ का वर्चस्व चल रहा हो, जब हरिशंकर तिवारी अपने वर्चस्व पे हो, उससे ठीक पहले वीरेंद्र शाही का नाम चल रहा हो, और ऐसी स्थिति में ऐसा हुआ और उसके छींटे गोरक्षपीठ पर भी पड़े, लेकिन व्यवस्था में ये बात भी उभर कर आई कि ये घटना उधर से कारित नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं शक का कोई ना कोई कीड़ा, कोई ना कोई वजह उधर घूमती तो जरूर है। और ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश पासवान की मौत के बाद भी स्थितियों पर बहुत सारी बातें उभरती रहीं। समाजवादी पार्टी ने उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, बहुत सारी बातें उभरी कि जो हत्या हुई है वो उनके इशारे पर हुई है, खासकर मंदिर के इशारे पर हुई है, लेकिन बाद में ये सारी बातें धराशायी होती चली गई क्योंकि इन पे कोई भी सत्यता की जांच में या किसी भी कसौटी पे कोई भी बात उभर कर सामने नहीं आती है। ओम प्रकाश पासवान की इस हत्या का राज आज भी राजी है, कारण कुछ पता नहीं है। लेकिन एक चीज जो बदली वो ये बदली कि ओम प्रकाश पासवान के बेटे कमलेश पासवान, जो बाद में विधायक भी हुए समाजवादी पार्टी से और पिछले तीन बार से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने 2013 में अपने आप को ये बताया कि उन्हें भी जान का खतरा है और समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुए थे 2012 के बाद, उनके सामने ये प्रस्तुत किया था कि उनके ऊपर जो है एक जानलेवा हमला हो सकता है या उनकी जान को खतरा है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से जिस पद के लिए या विधायक या सांसद के लिए जिस चीज के लिए भी ओम प्रकाश पासवान लड़े, काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए जीते, और एक बेहतर नेता जो उस क्षेत्र के विकास के लिए भी काम कर रहा था, लोगों के लिए भी काम कर रहा था, जनता के विकास के संदर्भ में बातें करता था, खासकर एससी एसटी के वर्ग के लिए काम करता था, उसकी मौत हो जाती है। और गोरखपुर आज भी ऐसे एक नेता की बाट जो हो रहा है, क्योंकि अभी भी गोरखपुर परिक्षेत्र में वनटांगिया की समस्या कह लीजिए या फिर एससी एसटी की समस्या कह लीजिए या फिर उस इलाके के बहुत सारे विकास के मानदंडों की बात कह लीजिए, तमाम चीज़ों के लिए बाट जो होता है वो क्षेत्र आज भी ऐसे नेता की परवाह कर रहा है कि वो कोई ऐसा नेता हो। हाँ, ये ज़रूर है कि बीते दिनों में योगी आदित्यनाथ ने अपनी वो छवि उभारी है और उभर कर वो सामने इस बात को लेकर के आते हैं कि पूरे गोरखपुर मंडल की बात करूँ मैं अगर, तो गोरखपुर मंडल के विकास के लिए वो बेहतर दिशा दे रहे हैं और बहुत एक जिसे कहते हैं कि सरकारी धन उधर आवंटित कर रहे हैं ताकि वहाँ पर क्षेत्र विकसित किया जा सके। और उन्हीं संदर्भों में जो पूरा परिक्षेत्र है वहाँ एम्स का निर्माण हुआ, वहाँ पर फर्टिलाइजर का निर्माण हुआ। हाँ, लेकिन अभी भी गन्ना किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि जो 11 चीनी मिलें हुआ करती थी उस क्षेत्र में वो अभी भी विकास की बाट जो हो रही हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि उस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ एज ए चीफ मिनिस्टर अपने रहते हुए, क्योंकि दूसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उधर भी ध्यान दें। हत्याएं और ये सब चीज़ें कम हुई हैं निश्चित तौर पर, ये मैं कह सकता हूं कि जो उस समय बहुत ज़्यादा बवाल होते थे उन बवालों से थोड़ा हट करके आज की डेट में वहाँ विकास की बयार बह रही है, उसको थोड़ा सा बेहतर दिशा देने की कोशिश और की जाए। धन्यवाद, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।